झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा है। दरअसल मुख्यमंत्री को रांची में हुए जमीन घोटाले केस में आज ईडी के समक्ष पेश होना था। पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से समय की मांग करेंगे और वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कार्यक्रम का हवाला दिया है। देखिए, आधिकारिक तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद एक सप्ताह का समय मांगा गया है, और चूँकि मुख्यमंत्री का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहता है, कल 15 अगस्त है और भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी व्यस्तता के अनुसार वो एक सप्ताह या 10 दिन का समय ले सकते हैं या वो लेंगे, ऐसा मुझे गैर आधिकारिक रूप से ये जानकारी मुझे है। दरअसल डुमरी में उपचुनाव होना है और ऐसे में 17 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी नामांकन दाखिल करेगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 अगस्त को डुमरी जाएंगे। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पर कहा है कि वो इसको लेकर भी काफी व्यस्त चल रहे हैं, जिस वजह से वो ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। चूंकि कयास पहले ही से लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शायद समय की मांग कर सकते हैं, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य में ईडी की दबिश साफ तौर पर देखी जा रही है। एक एक करके तमाम लोगों को ईडी के अधिकारी ईडी के जोनल ऑफिस में बुला रहे हैं और घंटों घंटों पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को भी देखा होगा, वहां पर भी ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार ईडी कार्यालय जाएंगे। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी कार्यालय पेश होना था तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय गए थे, 9 से 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी जोनल ऑफिस ईडी के पहुंची हुई थी। हालांकि इसको भी लेकर झारखंड की सियासत उस वक्त तेज हो गई थी। इस वक्त जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले केस में ईडी के समक्ष पेश होना है तो इसको भी लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का कहना है कि अब ईडी जो है अपना कार्रवाई यहां पर कर रहा है। दूसरी ओर अगर हम महागठबंधन की बात करेंगे तो उनका कहना है कि हम डरेंगे नहीं। आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जब मीडिया के समक्ष आए थे तब उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है तो हम डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे, हम जरूर सामना करेंगे। इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाने वाले थे, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उनके आवास के समक्ष सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। अब डुमरी में उपचुनाव होना है और ऐसे में झारखंड की सियासत इस वजह से भी तेज हो गई है क्योंकि एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि डुमरी में जो उपचुनाव होना है उसमें एनडीए इस बार अपना परचम लहराएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग महागठबंधन की बात करेंगे, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है, कैबिनेट मंत्री है और ऐसे में इसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ईडी की दबिश जिस तरीके से झारखंड में देखने को मिल रही है, एक एक करके लोग ईडी के जोनल ऑफिस में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। जब वो ईडी कार्यालय में गए हुए थे तब से घंटों पूछताछ हुई, कई दिनों तक पूछताछ हुई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। वैसे ही विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई। अब जमीन घोटाले मामले में आप लोगों ने देखा होगा पूर्व डीसी छवि रंजन को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और उनसे भी घंटों पूछताछ की गई थी। अब उसी मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी यहां पर पूछताछ करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सप्ताह का समय मांगा है तो कह सकते हैं जब एक सप्ताह पूरा होगा ईडी की ओर से अगर दूसरा समन जारी होता, मुख्यमंत्री जब वहां पर जाएंगे ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछेंगे तो तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। लेकिन कह सकते हैं इसको लेकर झारखंड की सियासत इन दिनों काफी तेज हो गई है। अगर ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो वहां पर भी हलचल काफी तेज हो गई थी क्योंकि सुबह तक यही बोला जा रहा था कि शायद हो सके तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जा सकते हैं, लेकिन पहले से ये भी संभावना जताई जा रही थी कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर समय की मांग कर सकते हैं क्योंकि डुमरी में उपचुनाव होना है, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह है, इस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से समय मांग सकते हैं। और वैसा ही हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहले से ही कई कार्यक्रम निर्धारित थे और उस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पर एक सप्ताह का समय मांगा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।